गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू हिंदी ऑनलाइन क्लासरूम ऑफ श्री गोकुलम पब्लिक स्कूल गुरुवायूर। आज हम हिंदी व्याकरण वर्ण विच्छेद अनुनासिक अनुसार इसके बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण कक्षा के लिए सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत। बच्चों, पहले हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। लिसन स्टूडेंट्स, वर्ण विच्छेद। वर्ण मीन्स लेटर, विच्छेद मीन्स सेपरेट। टू सेपरेट द लेटर्स इन ए वर्ड इज कॉल्ड वर्ण विच्छेद। छोटी कक्षा में वी ऑलरेडी स्टडीड मात्राएं। मात्राएं मीन्स सिंबल्स। टुडे आज इसके बारे में, इस मात्राओं के बारे में हम पुनरावर्तन करेंगे। देखो बच्चों, का व्यंजनाक्षर के साथ स्वराक्षर लगने की डन। क प्लस आ का, इसकी मात्रा कोई है। हिंदी में आ स्वराक्षर की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए वी कैन प्रोनाउंस क। सो क प्लस आ का की मात्रा कोई नहीं है। क प्लस आ का की मात्रा, देखो ये इसकी मात्रा है। क प्लस ई की ह्रस्व है, इसकी मात्रा ह्रस्व है। क प्लस ई की मात्रा दीर्घ है, की। क प्लस उ मात्रा है, ये इसकी मात्रा है। क प्लस उ कु, ये इसकी मात्रा है। क प्लस र कृ, ये इसकी मात्रा है। क प्लस ए के, इसकी मात्रा ये है। क प्लस आई काई, मात्रा ऊपर दो लाइन। द नेक्स्ट क प्लस ओ को, इसकी मात्रा ये है। क प्लस औ कौ, इसकी मात्रा ये है। मात्रा मीन्स सिंबल। द नेक्स्ट क प्लस अम कम, इसकी मात्रा शिर और रेखा के ऊपर एक बिंदी है, इसे अनुसार करते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे अनुसार करते हैं। क प्लस अह कहा, दो डॉट है, इसके क्या कहते हैं? इसे विसर्ग कहते हैं। लिसन हियर, मात्राएं। देखो बच्चों, व्यंजन वर्ण से स्वर अलग करने के समय व्यंजन के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगाइए, इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में हाल चिन्ह कहते हैं। व्यंजन वर्ण से स्वर अलग करने के समय व्यंजन के नीचे एक छोटा सा चिन्ह लगाइए, इसे हिंदी में हाल चिन्ह कहते हैं। देखो बच्चों, कुछ वर्ण विच्छेदन के उदाहरण आज हम सीखेंगे। फर्स्ट वन, संवाद। स प्लस अम प्लस ब प्लस आ प्लस द प्लस आ से संवाद। सा के ऊपर, सा के शिरोरेखा के ऊपर एक डॉट है, सो वी कैन प्रोनाउंस सम जम। संवाद से सेपरेट। स प्लस अम, स व्यंजन के साथ अम स्वर जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट व, व व्यंजन के साथ आ स्वराक्षर जोड़ना चाहिए। द, द व्यंजन के साथ आ स्वराक्षर जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार सा के नीचे एक छोटा सा चिन्ह है, इसे हल चिन्ह कहते हैं। वाक्य नीचे एक छोटा सा चिन्ह है, दा के नीचे एक छोटा सा चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? इसे
हालचित करते हैं, इसलिए वी कैन प्रोनाउंस स ब द। सो लिसन हियर, सेकंड वन अदिति, आ प्लस त प्लस ई प्लस द प्लस ई, अदिति। ता के नीचे हलचिन है त, धा के नीचे हलचिन है। नेक्स्ट वन ईसाई, ई स्वराक्षर है, ई के साथ स, ई प्लस स प्लस आ प्लस ई, ईसाई। गणित, ग प्लस आ प्लस न प्लस ई प्लस त प्लस आ, गणित। नेक्स्ट वन गांधी, ग प्लस आ प्लस द प्लस ई, गांधी। गांधी हियर आके ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसे हिंदी में अनुनासिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। हियर आके शिरोरेखा के ऊपर वन बिंदी, एक बिंदी आते हैं, डॉट, बिंदी मीन्स डॉट, इसे क्या कहते हैं? अनुसार कहते हैं। से अनुसार है, ये अनुनासिक है। गुरु, ग प्लस ऊ प्लस रे प्लस ऊ, गुरु। द नेक्स्ट वन प्रकाश, प प्लस रे प्लस आ प्लस क प्लस आ प्लस श प्लस आ, प्रकाश। अगले हम अनुसार और अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अनुसार, अनुसार का सिंबल मात्रा ए है, शिरोरेखा के ऊपर एक डॉट है, डॉट मीन्स बिंदी, से क्या कहते हैं? अनुसार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक का चिन्ह, इसे शिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदी है, इसे अनुनासिक कहते हैं। लिसन स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स अनुसार से प्रोनाउंसिएशन, आम, इसके उदाहरण अंक, फर्स्ट वन अंक, सेकंड वन अंडा, थर्ड वन पतंग, फोर्थ वन रैंक, फिफ्थ वन नंदन। ये अनुसार शब्द है, ये वाला कौन सा शब्द है? अनुसार शब्द है। अनुनासिक, अनुनासिक इसका मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी है, ये इसकी मात्रा है। अनुनासिक, कुछ अनुनासिक शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन आंख, आंख इसमें अनुनासिक शब्द आ, इसके ऊपर ये सिंबल, ये मात्रा है, ये अनुनासिक, आंख, आंख। नेक्स्ट वन चांद, चांद। नेक्स्ट ऊंच, लास्ट सांब। देखो बच्चों, अनुसार और अनुनासिक इंपॉर्टेंट ग्रामर के व्याकरण भाग के, ध्यान में रखो। इसके अंदर अनुसार और अनुनासिक शब्द के अंदर क्या है? अनुसार शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी है, शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी, एक डॉट है, इसे क्या कहते हैं? अनुसार कहते हैं। अनुनासिक, शिरोरेखा के ऊपर एक चंद्र बिंदी है, हियर चंद्र बिंदी, अनुनासिक चंद्र बिंदी है, अनुसार बिंदु डॉट है, इसे क्या कहते हैं? शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी डालने, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। एग्जाम्पल्स आंख, चांद, ऊंच, सांब। आज हम वर्ण विच्छेद, अनुसार, अनुनासिक, ये व्याकरण भाग हमने सीखा है। वर्ण विच्छेद, वर्ण मीन्स लेटर, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण मीन्स लेटर, विच्छेद मीन्स सेपरेट, अलग अलग करना, वर्णों को अलग करना, इसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं, सेपरेशन ऑफ लेटर्स। देन अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी है, उसे अनुनासिक कहते हैं, शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदी। अनुसार शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी, केवल एक बिंदी है, एक डॉट है, से अनुसार कहते हैं। बच्चों अच्छी तरह, स्टूडेंट्स अनुनासिक, अनुसार, वर्ण विच्छेद, ये व्याकरण भाग अच्छी तरह पढ़ो। स्टूडेंट्स,
your notes and test paper attached with this video. All of you study very well. धन्यवाद.